3D भी इसी तरीके से सेम कर सकते हैं। अब 2D एरे में हम यूजर इनपुट से कैसे वैल्यू इंटर कराएंगे, उसके बाद में उसके वैल्यू क्या का उसके जो एलिमेंट हैं उसके हम लोग क्या करते हैं सम करके देख लेते हैं। बस ये 2D हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे 2D एरे स्पेस देंगे तो क्या क्या चलेगा, ये चलेगा नहीं, तो फिर लेना पड़ेगा 2D एरे। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, यूजर इनपुट इनपुट यूजर इन ले लिया मैंने, यूजर इन डॉट C++ ये किया। यहाँ से मान लो इसको क्या कर रहे हैं, सबको कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब हमें ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको रखते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं हटाते हैं। हमें यूजर इनपुट लेना है तो हमें इन सब चीज़ों की क्या है ज़रूरत नहीं है। देखो पहले हमें एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो पहले पहले हमें उसके रो को जो चाहिए, कौन कितने स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें रो और कॉलम क्या होगा बराबर होगा, अदरवाइज अगर कुछ अलग हो तो हम लोगों को पहले उसके रो को रो और कॉलम को इंटर कराना पड़ेगा। तो रो इंटर रो और कॉमा कॉलम, मैंने दो वेरिएबल ले लिया, ठीक है चलो डिफाइन कर दिया। अब एक नंबर भी ले ले रहे हैं कॉमा, जिससे हम उसके उसमें नंबर को भी क्या कर देंगे स्टोर करेंगे। एक नंबर नाम से वेरिएबल ले लिया, तीन वेरिएबल मैंने ले लिया, उसके रो कॉलम और उसके वेरिएबल। अब देखो अब यहाँ पे सी आउट कर दे रहे हैं पहले रो और कॉलम को इंटर कराने के लिए, ये मैसेज दे रहे हैं इंटर रो, इंटर रो कर दिया। इंटर रो किया यहाँ पे तो सी इन कर दिया रो को, ठीक है। अब इसी तरीके से इंटर कॉलम, कमेंट हो गया, कॉलम को यहाँ पे सी इन कर दिया कॉलम, सी ओ एल नाम से मैंने वेरिएबल लिया था कॉलम को। इंटर रो इंटर कॉलम को हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। अब देखो जो भी इंसर्ट कर दिया, अब इंट हमें ज़रूरत नहीं है किस तरीके से एरे लेना है, ठीक है एरे लिया मैंने, एरे वन मान लो ले लिया वेरिएबल। अब इसमें पहले को क्या कर देंगे रो को डाल देंगे, जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे यहाँ पे आ जाएगा, और कॉलम को भी डाल देंगे। इसके अंदर रो और कॉलम को हम लोगों ने डाल दिया। अब उसके बाद में क्या करना चाह रहे हैं, रो कॉलम भी हमारा ये एरे हमारा डिक्लेयर हो गया, इसके साइज भी डिक्लेयर हो गया। अब इसमें जो वैल्यू हमें इंटर करना होगा उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अब हम ये देखो एक फॉर लूप लगाएंगे, एक जैसे हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने किया था यहाँ पे, ये तो हेलो है, इस हेलो एरे में हम लोगों ने कैसे एलिमेंट क्या कहते हैं इंटर किया था, यहाँ पे सी आउट यहाँ पे जो करके ये नहीं है ना, ये है अच्छा हाँ ये है। इस एरे में हम लोगों ने इनपुट कराया था, एक फॉर लूप लिया था, उसके बाद इसमें वैल्यू स्टोर करके इसमें इंटर कर दिया। सेम वही चीज़ हमें क्या करना है यहाँ पे,
इसको हटा दे रहे हैं। यूजर इनपुट वाले में क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं, अब दो फॉर लूप लेना पड़ेगा हम लोग को। अब दो फॉर लूप लेना है। दो फॉर लूप में पहले इंट आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई लेस आर इक्वल टू लेस देन किसके रो कर दिया, एक रो के लिए चला देंगे और एक हमारा चला देंगे फॉर इंट जे इक्वल टू जीरो से जे लेस आर इक्वल टू कितना कॉलम के लिए, जिससे i इंटू जे इसकी जितना वैल्यू आएगा उसका ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा वही उसका कम्प्लेक्सिटी होगा। तो जब ये कम्प्लेक्सिटी पढ़ाएंगे उसको तो बताएंगे। तो मैंने दो वैल्यू मैंने कर दिया, रो और कॉलम को इंसर्ट कर दिया, इसमें रो कॉलम आ चुका है। अब क्या करेंगे, सी इन करेंगे, सी इन। अब यहीं पे कर दे रहे हैं कमेंट, जितने भी वैल्यू डालने होंगे इंटर, सी आउट कर दे रहे हैं। इंटर वैल्यू अब इसके लिए क्यों चलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसके अंदर चलाना है। से बार बार चले कंट्रोल एक्स कर दिया, कंट्रोल बी कर दिया। अब ये बार बार चलेगा, कहेगा इंटर वैल्यू इंटर वैल्यू। अब इंटर वैल्यू में हमें क्या इंटर कराना है, सी इन करेंगे। सी इन में जैसे हम पहली बार नंबर कराए थे ना पिछली बार, तो इसी बार यहाँ भी क्या करेंगे, नंबर इंटर कराएंगे। तो यहाँ पे नंबर हमारा इंटर हो चुका है। अब ये नंबर जो इंटर हुआ, इस नंबर को हमें क्या कर देना है, जो हम लोगों ने एरे वन लिया था, एरे वन के आई यहाँ मतलब रो कॉमा कॉलम पे हमें स्टोर कर देना है। रो अगर जीरो हुआ और कॉलम भी अगर जीरो हुआ तो उस पे चला जाएगा, रो अगर जीरो हुआ कॉलम वन हुआ तो ये क्या चले जाएगा, उस पे चले जाएगा। तो यहाँ पे नम लिया ना, पिछली बार एलिमेंट लिया था नम ले लिया, तो नम को हम लोगों ने इसके जगह पे स्टोर करा दिया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक ही काम हो चुका है, उसमें वैल्यू हमारे आ चुके हैं, ठीक है। इंडल हटा दे रहे हैं अभी, इससे इंडल काम नहीं है। तो ये पहला फॉर लूप हो गया, ये दूसरा फॉर लूप हो गया। तो ये फॉर लूप का इतना काम था, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा ये हमारा, ये दो टू डी एरे में वैल्यू इंटर कराने के लिए दो फॉर लूप का हम लोगों ने यूज कर लिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब जब वैल्यू इंटर हो गए हैं तब हम क्या करना चाह रहे हैं, मान लो यही फॉर लूप हम उठा ले रहे हैं फिर से इन्हीं को, ठीक है, कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कंट्रोल सी किया, ये फॉर लूप उठाया दो, क्योंकि हमें इतनी बार चलाना ही है, कंट्रोल बी कर दिया। अब यहीं पे एक कमेंट दे रहे हैं, ये क्या करना है, फैच करने के लिए, फैच रिजल्ट, रिजल्ट को फैच कर रहे हैं। इसको यहाँ पे दे रहे हैं एक कमेंट, इंसर्ट के लिए, इंसर्ट फार के लिए, फैच के लिए हम लोगों ने रिजल्ट फैच करने के लिए इसको चलाएंगे। फार आई इक्वल टू जीरो से लेकर यहाँ तक चला दिया। अब यहाँ पे क्या करना हमें, इसको तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसको क्या कर देना है, यहाँ पे सी आउट कर देना है, सी आउट एरे ऑफ जो भी आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू को, और इनके बीच में थोड़ा सा जगह दे देंगे, ठीक है। अब इस फॉर लूप के बाहर आएंगे, पहले वाले को सी आउट करके इंडलाइन कर देंगे, जिससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, आपको समझ में आए, थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है।
अब इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, रिजल्ट को क्या कर दिया, फैज कर लेंगे जो भी आएगा इस कोड से। हम लोग उसके जो भी रिजल्ट थे उसको हम लोग फैज कर लेंगे यहाँ पे। क्या इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फार आई इक्वल टू जीरो से यहाँ के फायर जे इक्वल टू जीरो से लेकर जे इक्वल टू कॉलम तक चलाए। अब यहाँ पे क्या कर दिया, रो और कॉलम, रो वाली वैल्यू जो आएगी, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, आई आई लिया है ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई रो की जगह आई लिया और कॉलम की जगह क्या रहना पड़ेगा, जे, क्योंकि हम लोगों ने नया वेरिएबल कौन सा लिया, यहाँ रो कॉमा आई कॉमा जे, तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा, इसको लिख दिया। ऐसे यहाँ पे भी यहाँ पे आई और जे लिया था तो इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पे आई लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जे, आई जे लिया, यहाँ पे वैल्यू को हम लोगों ने इंसर्ट भी करा लिया, कंट्रोल यस कर दिया। अब मान लो इसको रन कराते हैं, रन कराने के बाद देखते हैं क्या आता है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। देखो इंटर रो, मान लो हम क्या कर रहे हैं, तीन, और सॉरी यहाँ चला गया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीन इन रोज कर दिया और तीन कॉलम कर रहे हैं, तीन तरीका नौ एलिमेंट हमें इंटर करना पड़ेगा। इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू मैंने 5 दे दिया, फिर कहेगा इंटर वैल्यू, 6 दे दिया, 4 दे दिया, 7 दे दिया, 0 दे दिया, 6 दे दिया, 6 दे दिया, 3 दे दिया, कितने हो गए, 3, 3 6 3 9, ठीक है, इंटर वैल्यू अब 9 हो गए। देखो इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, ये 2D एरे का ये पूरा 3x3 मैट्रिक्स मैंने डाला, वही हमारा क्या दे दिया, इसका रिजल्ट दे दिया, ठीक है ना। ये हम वैल्यू हम लोगों ने इंटर कराया, वैल्यू इंटर कराने के बाद में इसका यहाँ पे रिजल्ट को हम लोगों ने फैच भी कर लिया। अब मान लो